हाँ देखिए, साइंस क्लास 10 चैप्टर 4 बता रहा हूँ अब मैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है ना। इसमें एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कोई, तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 सेलेक्ट किए हैं। टाइम बिल्कुल नहीं है, कल ही पेपर है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल अभी आपको करा दूंगा, कंप्लीट हो जाएंगे। बता, ये आप वीडियो देखने के बाद आपके ये दोनों क्वेश्चन आपको आ जाएंगे अच्छे से, ये पक्का है, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन याद करने के लिए आपको, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इन 3ों क्वेश्चन को याद कर लेना। याद नहीं हो तो 2-4 बार ढंग से पढ़ लेना, और थोड़ा सा उसमें से कुछ ना कुछ याद रहे इस तरह से पढ़ लेना, ठीक है ना। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इन 3ों क्वेश्चनों को थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, याद हो पहले से तो अच्छा है, नहीं तो याद थोड़े बहुत याद हो जाए आपको, ठीक है ना। थोड़ा बहुत लिख सको इतना कर लो। ये 2 क्वेश्चन मैं पक्के करा दूँ अभी, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बाउंड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन, ये जो फॉर्मूला दिया है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी कितना है, या सॉरी सी तो ये सी एल अलग है, ठीक है, क्लोरीन है, सी एक ही है सी, ठीक है, सी मीन्स कार्बन, ठीक है, और H3। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, समझना ये पड़ेगा। देखिए जो उस कार्बन है सी, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। तो 6 के लिए देखिए, पहले जो फर्स्ट सर्कल होता है, जो फर्स्ट सेल होता है, सेल बोलते हैं इसको, फर्स्ट सेल जो होता है, KLMN, इस तरह से सेल होते हैं इसमें, 9th क्लास में था जैसे, जो फर्स्ट सेल जो होता है उसमें कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर उसके बाद 8 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब फिर 6 हैं यहाँ पे, तो फिर 6 में से कितने, 2 तो ये आ गए, तो बचे कितने, 4, 1 2 3 4, 4 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल पे बचेंगे, यानी कि इसको वैलेंसी, इसकी वैलेंसी भी 4 होगी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसके हिसाब से देखो, एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन ये, और तो बचे कितने, 4, यानी कि ये आउटर पे 4 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हम लेंगे, इसके 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, H3, H हाइड्रोजन, तो H हाइड्रोजन में कितने, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें तो 1 जो है, एक इलेक्ट, जैसे इस पे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है ना, तो इस पे तो एक ही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसके बाद सी एल, क्लोरीन, सी एल के लिए अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ इसको, कंफर्म कर लूँ थोड़ा, क्लोरीन हाँ 17 ही है, ठीक है। तो देखिए 17 इसका एटॉमिक नंबर है, 17 एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो 17 को हम देखते हैं, देखिए पहले सेल में 2, फिर दूसरे सेल में 8 होते हैं, 8 और 2 कितने हो गए, 10 10, और बाद में लास्ट सेल में इसके कितने बचेंगे, आउटर सेल में 7, ये आउटर सेल में 7 बचेंगे, ठीक है। तो अब हमको इसको जैसे हम बना रहे हैं, तो देखिए क्या इसका किस तरह से, ये जो है इसके कार्बन के हमने 4 लिखे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं H, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना है, H3, तो H3 हो गए 1 2 3, ठीक है। अब हाइड्रोजन में क्या है, देखिए हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन इस पे, हाइड्रोजन पे कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक और चाहिए, तो यहाँ से कार्बन का मिल जाएगा, तो इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखा देते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब देखिए, अब हाइड्रोजन पे 2 हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। लेकिन अब कार्बन में अभी क्या बचा है, देखिए अब यहाँ पे सी एल, क्लोरीन की और बचा है, तो सी एल के लिए यहाँ लिख देते हैं हम सी एल, ठीक है। सी एल में कितने आउटर सेल में, 7, तो 7 के लिए 1 तो यहाँ रख देते हैं, क्यों, इसका इस क्रॉस में लिख देते हैं, जिससे कंफ्यूजन ना हो, 1 यहाँ, 6 यहाँ पे,
देखिए 6 और 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में। अब अगर हम देखते हैं तो देखो 6 और 2 8, इसमें होगा इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। इसमें देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है और ये हाइड्रोजन भी पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। यानी कि ये आपका जो है कोवेलेंट बॉन्ड इसके हमने बना दिया और ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे पहले सेल में हमेशा 2 होते हैं फिर 8 होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे 6 ही है तो 2 के बाद 4 बचे, 4 और 2 6 होते हैं। इसी तरह ये सब आपको याद रखना है। देखो 17 है तो पहले सेल में कितने 2, दूसरे सेल में 8, 8 और 2 10 हो गए, 10 और बचे कितने फिर 17 है तो 7 बचे, तो लास्ट वाले सेल में 7 होंगे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आप बिना देखे कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, आंसर ए को सॉल्व करते हैं, पहले ए को देखते हैं, ठीक है। एथेनोइक एसिड, इसका जो फॉर्मूला है वो CH3COOH है, ठीक है ना। तो अब इसको हम देख रहे हैं कैसे बनेगा ये। तो देखिए यहाँ पे सी के लिए, देखिए सी मतलब कार्बन है, सी मीन्स तो कार्बन, यहाँ पे हमने ये लिए 2, ठीक है ना। तो कार्बन जो है कार्बन के आउटर सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और इसकी वैलेंसी भी 4 है क्योंकि 8 चाहिए ऑक्टेट के लिए, तो यहाँ पे 4 होने चाहिए। तो 1 2 3 और ये 4, इस वाले के लिए हमने 4 लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है CH3, तो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ ऐड कर देंगे, H H H। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजन के लिए क्रॉस का निशान लगा दिया हमने, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गए, और यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 और यहाँ एक इस, अब इस वाले के लिए, ठीक है, इस कार्बन के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ लिया, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लिया, 2, और 2 हमें एक साथ लेने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन कार्बन के। उसका रीजन बताता हूँ मैं अभी, इसको थोड़ा बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो अब देखिए इसके 1 2 3 4 इसके इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे जो है देखिए ऑक्सीजन कितना है, ओ कितना है 2, तो ओ के लिए ये 2 ओ के लिए बन गए, ओ ये ओ के लिए, ठीक है। अब ओ में क्या है देखिए, इसके क्रॉस से दिखा देते हैं ओ वाले, ठीक है। तो ओ यहाँ पे ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन में कितना, एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले सेल में 2 है तो 8, 8 के लिए 6 और 2 8 होते हैं, तो आउटर सेल में कितने बचेंगे 6, तो 6 के लिए यहाँ पे 6। तो देखिए 6 1 क्रॉस में दिखाते हैं इसको हम, 1 2 3 4 और 5 6, इसमें इस तरह से हम दिखाते हैं कि जो है ये। अब यहाँ पे देखिए 4 और 4 ये भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे अब यहाँ पे इस, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 6 लेना पड़ेगा ओ के लिए, 1 2 3 4 5 और यहाँ सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे 6। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 और 1 5 और 1 6, हाँ ठीक है ये कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे ये एच और एक लेना है हमको, ठीक है ना। तो एच और लेना है, तो एच इसके साथ अगर हम ऐड कर देते हैं तो एच का भी एक आएगा क्रॉस में, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, ये ओ पूरा हो गया, यहाँ पे भी 8 हो रहा है पूरा हो गया, ये एच भी पूरा हो गया। तो इस तरह से आपका ये CH3COOH कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें। अब हम देखेंगे H2S, ठीक है। बी, ठीक है, अब बी देखते हैं, H2S। तो इसके लिए देखिए एस यानी कि सल्फर, सल्फर सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, ये याद रहेगा आपको। इसके बाद देखिए 16 होता है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है फिर 8 होता है, दूसरे सेल में है तो और बाद में भी 8 होता है, तो यहाँ पे 8 और 2 10, तो यही होगा 10 ही होगा। तो यहाँ 16 है टोटल, तो 10 के बाद कितने बचे 6, तो
तो आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 2 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे, एक दो एच टू है इसीलिए इसका बॉन्ड बन गया। तो एच देखिए, एस के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये एस है, ठीक है, तो एस में कितने हैं, एस में 6 हैं आउटर सेल में, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसके साथ एच के साथ बॉन्ड यहाँ बना देते हैं इसके, देखिए एच के साथ, तो एच एक इधर एक इधर, तो एच के लिए क्रॉस दिखा देते हैं, एच का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस में दिखा दिया। तो अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8, यानी 8 हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इनमें तो 2 2 रहते हैं हाइड्रोजन में। ठीक है, तो ये आपका बी पार्ट का जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, इस तरह बनेगा। ठीक है ना, अब सी है प्रोपानॉन। ठीक है, प्रोपानॉन का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के देख के हम इसको बनाएंगे। ठीक है, अब सी के लिए देखते हैं, सी में देखिए हम क्या करेंगे, C3, तो फिर हम क्या करेंगे, कार्बन के लिए 1 2 और ये 3, इस तरह से आप सी बना लीजिए। ठीक है, अब कार्बन में जो है आउटर सेल में कितने हैं, 4 हैं, इसकी वैलेंसी भी 4 है, इसको अलग से 4 और चाहिए। ठीक है, तो पहले इसके 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके हम इस तरह से दर्शा देते हैं, 1 2 3 एंड 4, ऐसे इसमें 1 2 3 एंड 4। ठीक है ना, हाँ देखिए देखिए, यहाँ पे 4 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ पे भी 4 ले लिए, अब ये बचा हुआ है। ठीक है ना, तो इसका भी देखिए 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ, 2 होगा इस वाले के बीच में जो है, और 2 यहाँ रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओ के साथ में ये डबल बॉन्ड बनाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, हमें हाइड्रोजन यहाँ पे इनके साथ में एक एक एच आ जाएगा यहाँ पे, तो एच कितना है, एच 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, एच तो कंप्लीट हो गए। ठीक है, और एच के लिए हम क्या बना देंगे, एच के इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्रॉस का साइन बना देंगे। ठीक है, इस तरह से जिससे पहचान रहेगी। अब यहाँ पे अब क्या बचा, ओ, तो ओ के लिए इस तरह, यहाँ पे ओ, तो ओ में क्या करना है हमको, देखिए ओ के लिए भी क्रॉस साइन बना दीजिए। ओ में यहाँ पे देख लीजिए, ऑक्सीजन में 8 एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो पहले सेल में 2 और 2 और 6 8 होते हैं, तो आउटर सेल में 6 बच रहे हैं, तो यहाँ 6 होने चाहिए, तो 2 2, तो यहाँ ले लो 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में यहाँ पे से यहाँ पे देखिए इसका 1 2 3 4, यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिए ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि 2 इसलिए लिए हैं क्योंकि ऑक्सीजन में 6 होते हैं, तो 6 और 2 8 हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, 4 ये होगा इलेक्ट्रॉन, और 4 और 2 6 और 2 8, इसका भी कंप्लीट है, इधर भी देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ये भी कंप्लीट है, इधर ये भी कंप्लीट है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका बन गया, ये प्रोपेनॉन का। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे F2 के लिए, तो F2 के लिए अब देखिए F2 तो काफ़ी आसान है, डी F2 के लिए देखिए F, यहाँ F मीन्स फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9 है, तो पहले सेल में कितना आएगा, फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 8 होते हैं, लेकिन 9 है तो 7 और 2 9 होता है, तो 7 ही बचा है यहाँ पर। ठीक है, तो वो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, इसको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अलग से, तो इसके लिए यही काफ़ी है। देखिए तो F के 2 बना दीजिए यहाँ पे, फ्लोरीन F, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन को हम देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें 7 दिखाने हमको, तो देखिए 1 तो ये हो गया इसका, इस वाले के लिए। ठीक है, 1, फिर 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे ही इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो अब देखिए इस वाले का एक इसमें मिल गया, इस वाले का भी एक मिल गया, तो अब देखिए टोटल मिला कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इसमें भी 8 हो गए, तो ये कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, F2 का। तो इसी के साथ ये आपका जो है आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर इतना था, तो ये समझने का था आपको, समझा दिया है, और
अब एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।